बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के कारण एक तरफ जहां खुशी का माहौल दिख रहा है तो दूसरी तरफ नाराजगी दिख रही है। आपको बता दें एनडीए में जो घटक दल हैं एक तरफ जहां खुशी जाहिर कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर वो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद बिहार में जो उभरते हुए चेहरा थे, उभरते हुए सितारा थे, उनका राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार पे लगातार चिराग पासवान हमलावर रहते थे और जिस प्रकार से नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद चिराग पासवान उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, उनकी वही नीति रहती है, तो आजीवन हम उनका विरोध करते रहेंगे। लेकिन नज़दीक लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में तमाम नेता जो है चुप्पी साध रही है, लेकिन अंदर ही अंदर नेताओं की जो नाराजगी है देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आप देखे थे कि विधानसभा में जीतन राम मांझी के ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटाक्ष करते हैं, अपमानजनक शब्द का उपयोग करते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर जिस प्रकार का बयान नीतीश कुमार का रहता है, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ये जो नाराजगी था उस समय देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और ये जो एनडीए का गठबंधन है उसकी सरकार बिहार में आती है तो आयास लगाया जाता है कि इन नेताओं भले ही मुस्कान दिखा रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से इन नेताओं का जो बढ़ता हुआ चेहरा था वो कहीं ना कहीं आप खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बिहार में सरकार जब महागठबंधन की थी तो ये लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते थे, वार पे वार करते थे, लेकिन जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनती है कुछ दिन बाद मंत्रियों का विस्तार भी हो जाता है, उसके बाद जो है इन नेताओं का कहीं ना कहीं जो भविष्य बिहार में देखने को मिल रहा था वो खतरे में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान का लगातार लोकप्रियता बढ़ते जा रहा था और ऐसे में उम्मीद लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान को आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6 सीटें मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सभी दल जो है गठबंधन महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं, ऐसे में अगला बार जो है बीजेपी 17 और जदयू 17 पे चुनाव लड़ती है, जिसमें बीजेपी को 17 सीट जीत मिलती है, वहीं बात करें जदयू की तो 16 सीटों पे जीत मिलती है। और लोजपा, जिस समय लोजपा एक था, लोजपा आर नहीं बना था, उस समय चिराग पासवान के पार्टी को 6 सीट मिलती है और 6 लोकसभा सीट पे उनकी जीत होती है। तो ऐसे में उस समय एनडीए का जो दल था उसमें कम दल थे, यानी 3 दल थे, जिसके चलते सीटों का बंटवारा संभव हो गया था। लेकिन इस बार जो है एनडीए में दल ज़्यादा है और लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और देखने वाली बात रहेगा जिस प्रकार से लगातार चाचा और भतीजा यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस में नाराजगी देखने को मिल रहा था और उसका जो है मसला अमित शाह के पास जाता है, अमित शाह के पास लगातार चिराग पासवान जाते हैं और उसका निष्कर्ष भी निकलता है। और सूत्रों के हवाले से ऐसे बताया जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान को फिर इस बार 6 सीट मिल सकती है, लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और एनडीए गठबंधन में 4 दल के लगभग में शामिल हो चुके हैं बिहार में और सीटों की संख्या 40 है, तो देखने वाली बात रहेगी कि 40 लोकसभा सीट में किस पार्टी को कितना सीट मिलती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि इतना दल आने के बाद जो बिहार के बढ़ते हुए सितारा थे, जिनका लोकप्रियता लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उनका जो है राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।